मंदिर के शीर्ष पर स्थित नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर्व के लिए रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए खोले गए, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। सभी श्रद्धालु सोशल मीडिया, ऑनलाइन मंदिर की वेबसाइट व विभिन्न चैनलों के माध्यम से श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर्व मनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महाकालेश्वर मंदिर के शिखर तृतीय तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार 24 घंटे के लिए सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। हिंदू धर्म में नाग देवता की पूजा करने की परंपरा रही है। हिंदू परंपरा में नाग देवता को भगवान शिव का आभूषण माना गया है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। ये दुर्लभ प्रतिमा में फन फैलाए शेष नाग देवता के आसन पर भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणपति विराजित है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पर एक साथ तीन रूपों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले गर्भगृह में महाकाल, प्रथम तल पर ओमकारेश्वर, शिखर पर नागचंद्रेश्वर। विश्व में एक पात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान श्री भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजित है। नागपंचमी पर्व पर वर्तमान परिस्थिति व कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु अपने घरों से ही ऑनलाइन फेसबुक पेज, मंदिर की वेबसाइट, ट्विटर व अन्य माध्यमों द्वारा श्री नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। इससे देश विदेश के लाखों श्रद्धालु दर्शन का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का ये जो दरबार है, ये जो मंदिर है, पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं। 24 घंटे भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन अर्चन वंदना के ये प्रोग्राम होता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा ही अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने पट खोले और पट खोल करके जो हमारी पूजन पद्धति है षोडशोपचार पूजन, उसके अनुसार अपन ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया, वंदन किया। और चूंकि लाखों लाख श्रद्धालु पहले आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन कोरोना महामारी और कोविड को देखते हुए वो तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन अपनी परंपराओं को जीवंत हमें रखना है, तो परंपराओं को के निर्वहन के लिए उस विधा से हम लोगों ने पट खोल करके पूजन अर्चन करके और भगवान से यही प्रार्थना की है कि शीघ्र से शीघ्र इस महामारी से पूरे हमारे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को जल्द से जल्द मुक्त करें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर के से आज प्रार्थना की गई है। और आम श्रद्धालुओं की जो बात है, तो आम श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं और भाव से अपने भगवान नागचंद्रेश्वर का वंदन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा करता है, वंदन करता है, अर्चन करता है, उसके समस्त प्रकार के पापों का क्षय होता है और उससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।